हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक इंसेन क्वीन सेक्रीफाइस दिखाने जा रहा हूं, जो कि सिर्फ मूव नंबर 9 पे दिया गया था। और ये सेक्रीफाइस दिया था पोन पावर इन चेस के ऑथर ने, हैंस मोच ने, अगेंस्ट अ प्रिंस। गेम जो है 1940 में खेली गई थी, जहाँ पे मोच के वाइट पीसेस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत की d4 से। नाइट f6, c4, g6, नेट c3 एंड नाउ d5। और ये है दोस्तों ग्रुनफेल्ड डिफेंस, जहाँ पर नाइट f3, बिशप g7 एंड क्वीन b3 खेला गया, जो कि जाना जाता है रशियन वेरिएशन या फिर रशियन सिस्टम। डी कैप्चर्स ऑन c4, क्वीन कैप्चर्स ऑन c4। और यहाँ पे ब्लैक ने कैसल किया और वाइट ने जो है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सेंटर लिया विथ e4। और इस पोजिशन में दोस्तों मेन मूव है a6, जहाँ पर आइडिया ये होता है कि b5 करके ब्लैक जो है क्वीन साइड एक्सपेंशन करता है, या कहीं केस में नाइट a6 जाता है एंड वो जो है वो सिंपली c5 पॉन ब्रेक के लिए जाता है। बट इस गेम में ब्लैक ने b6 खेला एंड नाउ वाइट ने e5 खेला, नाइट को किक किया। और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ब्लैक ने ये सोचा कि अगर उसको d5 स्क्वायर का कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है, देन वो सिंपली जो है वाइट के दोनों पोन को ब्लॉकेट करके रख सकता है। सो इसलिए उसने खेला बिशप e6। और यहाँ पे उसने होप ये रखी थी कि जैसे ही क्वीन मूव होती है वो सिंपली d5 पे नाइट मूव करेगा और यहाँ पे ब्लैक को जो है कोई दिक्कत नहीं। पर दोस्तों, ये है मूव नंबर 9, जहाँ पे हैंस मोच ने खेला पोन कैप्चर्स ऑन f6। वॉट अ क्वीन सेक्रीफाइस, है कि नहीं। बिशप कैप्चर्स ऑन c4, पोन कैप्चर्स ऑन g7। सो यहाँ पे अगर अब बिशप कैप्चर्स f1 खेलते हो, देन पहले पोन प्रमोशन इनटू क्वीन बाय कैप्चरिंग रुक, और उसके बाद जो है हम सिंपली रुक से f1 पे कैप्चर करेंगे। और यहाँ पे वाइट के पास क्वीन के बदले में रुक और दो माइनर पीसेस है। सो ये जो है ओवरवेलमिंग मटेरियल एडवांटेज है। बट इस पोजिशन में एफ कैप्चर्स ऑन g7 के बाद ब्लैक ने किंग कैप्चर्स ऑन g7 खेला, बिशप कैप्चर्स ऑन c4, नाइट c6, बिशप e3, नाइट b4। और यहाँ पे ब्लैक का आइडिया है नाइट c2 चेक का। और दूसरी बात कि अगर हम यहाँ पे कैसल करते हैं, देन नाइट c2 खेल के वो एक्चुअली जो है एक बिशप बोर्ड से कम कर देना चाहता है, क्योंकि अगर दो बिशप रहेगा तो वाइट का अटैकिंग पोटेंशियल जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। सो वाइट ने यहाँ पे कैसल किया, बट ब्लैक ने अपना प्लान खेला नाइट c2, जहाँ पे रुक a2 d1 एंड नाउ नाइट कैप्चर्स e3, एफ कैप्चर्स e3। और इस पोजीशन में दोस्तों ब्लैक के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि वो e6 खेले, ताकि एटलीस्ट बिशप की एक्टिविटी जो है इस डायगोनल पर लिमिटेड हो, और दूसरी ओर आप जो है नाइट g5 स्टॉप करो। अदरवाइज़ आगे चल के f7 पे जो है वो काफ़ी बड़ा प्रेशर बन सकता है। यहाँ पे ब्लैक ने गलती की, उसने खेला c5। और दोस्तों, यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए एंड फाइंड द विनिंग मूव फॉर वाइट। रेडी, यहाँ पे वाइट ने खेला नाइट g5 और ब्लैक ने सोचा कि अब वो जो है e6 खेल सकता है, क्योंकि वो अभी नाइट पे अटैक भी कर रहा है, f7 का एक जो है अटैकर उसको भी ब्लॉक कर रहा है। बट दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ वाइट टू मूव और एक स्टनिंग सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो आप फाइंड कीजिए। रेडी, वो मूव है दोस्तों रुक कैप्चर्स ऑन f7 चेक, अ ब्रिलियंट चेक। सो यहाँ पे अगर आप किंग h8 जाते हो, देन सिंपल रुक कैप्चर्स ऑन h7, जहाँ पे किंग g8 के बाद बिशप कैप्चर्स e6 जो है वो जस्ट विनिंग है। दूसरी ओर इसी पोजीशन में ए चेक के बाद अगर आप अब किंग जो है उसको g8 पे ले जाते हो, बट देन नाइट कैप्चर्स e6 जो है वो जस्ट स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए दोस्तों गेम में क्या हुआ कि रुक कैप्चर्स ऑन f7 के बाद ब्लैक ने एक्चुअली रुक कैप्चर्स ऑन f7 खेला और अब नाइट कैप्चर्स ऑन e6। सो किंग एंड क्वीन दोनों पे अटैक है, किंग g8, जहाँ पर नाइट कैप्चर्स d8, रुक कैप्चर्स d8 के बाद रुक f1, और अभी देखिए दूसरा रुक भी जा रहा है। सो रुक d6 या फिर रुक टू f8 फोर्स, जिस केस में हम सिंपली वहाँ पे जो है सारे चीज़ एक्सचेंज करने के बाद c5 पे कैप्चर करेंगे और वाइट के पास जो है एक पूरी नाइट रहेगी। सो इसीलिए गेम में क्या हो दोस्तों, जैसे ही वाइट ने जो है रुक कैप्चर्स f7 एक पर्टिकुलर पोजिशन पर खेला, ब्लैक ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको गेम और आज का वीडियो। आई होप मेरा वीडियो जो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।